हेलो एवरीवन, आज हम मैरीगोल्ड यानी कि इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू। आज हम देखेंगे यूनिट वन, फर्स्ट डे एट स्कूल यानी कि स्कूल का पहला दिन। यहाँ पे देखो ड्राइंग दिया है, एक बच्चा है वो स्कूल जा रहा है और अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बता रहा है। चलो देखते हैं। आई वंडर If my drawing will be as good as this, यानी कि ये बच्चा है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरा drawing है वो उतना ही अच्छा होगा जितना कि दूसरे बच्चों का होता है। I wonder if they will like me or just be full of stress, और फिर वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो उसे पसंद करेंगे या फिर उसके सामने ही घूरते रहेंगे। नेक्स्ट, आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। इसमें ये पोयम कौन बता रहा है? ये बच्चा बता रहा है। उसका पहला दिन है तो वो बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि उसकी जो टीचर्स है वो, यानी कि हम लोग भी स्कूल जाते हैं तो हम अपने टीचर्स के बारे में सोचेंगे। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरी जो टीचर है वो मेरी मम्मा जैसे दिखती होगी या फिर मेरी दादी माँ जैसे दिखती होगी। ग्रैन यानी कि दादी माँ। नेक्स्ट, आई वंडर इफ माय पप्पी विल वंडर वेयर आई एम। वो बच्चा है वो फिर सोचता है और वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा पप्पी है वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ पे चला गया हूँ, क्योंकि आप लोग स्कूल पे आओगे, अगर आपके घर पे भी कोई पेट होगा, कोई के घर पे पपी होगा, किसी के घर पे बिल्ली होगी, तो वो ये बच्चा बोल रहा है वैसे ही कि वो सोचेगा कि मैं कहाँ पे चला गया हूँ। नेक्स्ट, चलो अभी से हम एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं। चलो ये पहला वाला पोर्शन है, उसमें क्या बच्चा सोचता है? मैं सोचता हूँ कि मेरा ड्राइंग है वो उतना ही अच्छा होगा जितना कि दूसरे बच्चों का होता है। फिर उसका पहला दिन है तो वापस वही दूसरी बात सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं वो उसे पसंद करेंगे यानी कि मुझे पसंद करेंगे या फिर मेरे सामने ही घूरते रहेंगे। फिर उसका पहला दिन, तो आप स्कूल पे जाओगे पहला दिन होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। तो ये बच्चा है वो वापस सोचता है कि मेरे टीचर हैं वो मेरी मम्मा की तरह दिखते होंगे या फिर मेरी दादी की तरह। फिर वो बच्चा सोचता है, यानी कि वो बच्चा है वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा पप्पी है वो ये सोचता होगा कि मैं कहाँ पे चला गया हूँ। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। वंडर यानी कि सोचना, WONDER, वंडर यानी कि सोचना। नेक्स्ट, DRAWING, ड्राइंग यानी कि आप जो ड्रॉ करते हो वो, ड्राइंग यानी कि पिक्चर्स। नेक्स्ट, STAREES यानी कि स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी कि घूरना। उसके बाद है GRAN, ग्रेन, ग्रेन यानी कि दादी माँ। उसके बाद है लास्ट वाला वर्ड है PUPPY यानी कि पप्पी, पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा। नेक्स्ट है लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू, यानी कि मैं सोचता हूँ कि सी यानी कि समंदर ये ब्लू कलर का है, यानी कि क्या सोचता हूँ मैं सोचता हूँ कि समंदर है वो कौन से कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट, रीडिंग इज फन, चलो यहाँ पे कुछ दिया है उसे पढ़ते हैं और उसके आंसर देखते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग। What does the child in the poem think about his drawing? इसका मतलब है कि बच्चा है वो अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है। The child in the poem think about his drawing is that drawing is as good as others. इसका मतलब है कि ये बच्चा है वो सोचता है कि उसका ड्राइंग है वो दूसरे बच्चों जैसा अच्छा होगा या फिर नहीं। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर।
इसमें बच्चा क्या सोचता है, अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है वो बताना है। द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर दैट सी विल लुक लाइक हर मदर और ग्रैंड, यानी कि वो सोचता है, मैं सोचता हूँ कि मेरी टीचर है वो मेरी माँ जैसी होगी या फिर मेरी दादी जैसी। नेक्स्ट, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पॉपी टू स्कूल, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा है वो अपने साथ अपने पॉपी को ले जाना चाहता है। बच्चों को तो पॉपी अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाँ, यस आई थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पॉपी टू स्कूल। थैंक यू।